12 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प। ये संकल्प हमें मंगलवार को शुरू करना है। अब ये संकल्प किस तरह का है आपको मैं समझाता हूँ। अगर हम कोई भी चीज एक स्ट्रीक में करते हैं, यानी कि रोज वही चीज हमें फॉलो करनी है 11 दिन तक, तो वो हम चीज के आदि हो जाते हैं, यानी कि आदत हो जाती है। और ये हनुमान चालीसा इतनी शक्तिशाली है कि ज्यादा से ज्यादा बोलने पर वो हमारे शरीर को पूरी तरह से शुद्ध बना देती है। फिर हनुमान जी तो ठहरे भक्त, वो हमें ज्यादा से ज्यादा, हम जितनी उनकी भक्ति करेंगे वो हमें ज्यादा से ज्यादा और भी भक्ति देंगे। इसीलिए ये संकल्प बहुत ही शक्तिशाली है। ये हमारे मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन सबको दूर करके हमारे जीवन को सार्थक बनाता है, यानी कि हमारे जीवन को शुद्ध और भक्ति भरा बनाता है। हमें मात्र 11 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करके रोज 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और आप ही देखिएगा, 11 दिन पूर्ण होने पर आपके शरीर में नए चेंजेस आएंगे, बल की अनुभूति होगी, पावर आएगी, स्ट्रेंथ आएगी, आपका जो माइंड है वो भी फोकस करेगा, कॉन्सेंट्रेट करने में भी आपको बहुत ही ज्यादा मदद होगी। इसीलिए ये संकल्प बहुत ही जरूरी है। और एक बार ये संकल्प ले लिया, फिर आप 21 दिन का लीजिए, फिर 40 41 दिन का होता है, फिर 100 हनुमान चालीसा के पाठ भी होते हैं, फिर आपको इतनी मुश्किल नहीं आएगी। हमेशा शुरुआत ही थोड़ी कठिन होती है, फिर सब कुछ आसान लगने लगता है। और ये तो शुरुआत भी इतनी कठिन नहीं है, क्योंकि हर कोई हनुमान चालीसा तो बोलता ही है। हर एक सनातनी को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हनुमान चालीसा कंठस्थ याद ही होती है, क्योंकि हर एक घर में हनुमान चालीसा का पाठ तो अवश्य होता है। इसीलिए अब आपको मैं इस पाठ के नियम और विधि समझाता हूँ। ये पाठ अगर हम मंगलवार अथवा शनिवार को शुरू करें तो वो बहुत ही अच्छा है। हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते तो कम से कम सूर्योदय के, सनराइज से पहले उठें। उठकर हमें 11 दिन तक शुद्धता रखनी है, यानी हमारे शरीर को शुद्ध रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और सुबह उठकर अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में 11 हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और अगर आप सुबह जल्दी हनुमान चालीसा के 11 पाठ नहीं करते तो आप वही पाठ सूर्यास्त के बाद कर सकते हैं, यानी कि शाम को 8 बजे के बाद, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी श्री राम की सेवा में होते हैं। इसीलिए या तो ब्रह्म मुहूर्त में करें, यानी कि 4 बजे के आसपास, या तो फिर 8 बजे के, रात को 8 बजे के बाद में कीजिए। अब ये पाठ किस तरह करना है वो आपको समझाता हूँ। ये पाठ करने के लिए आपको एक रूम में बैठना है, वहां पर एक श्री राम के दरबार की इस तरह की एक फोटो फ्रेम लगानी है। उसके पास एक छोटी सी हनुमान जी की प्रतिमा चलेगी, वरना कोई भी हनुमान जी की छोटी सी फोटो फ्रेम भी लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप भोग लगाना चाहते हैं, कोई भी प्रसाद मिष्ठान वहां पर रख सकते हैं। पाठ पूर्ण होने के बाद आप घर वालों में बांट सकते हैं और खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। एक तांबे के कलश में पानी भी भर लेना है, उतना वहां पर रखकर एक ज्योत प्रकट करनी है, यानी कि दिया प्रकट करना है। वो प्रकट करके फिर आपको बैठकर एक आसन पे, हमेशा ही पाठ एक आसन पे बैठ के करें। और ये सब करने के बाद फिर भगवान श्री राम का नाम लीजिए। सबसे पहले श्री राम का ही नाम आना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय राम नाम ही है। इसीलिए अगर आपके पास माला है तो 108 माला फेर लीजिए राम नाम की, राम 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 इस तरह, वरना आप राम 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 ऐसे करके भी आप बोल सकते हैं। ये करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें। 11 बार आपको बिना रुके हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और आपको पाठ के दौरान बीच में से उठना नहीं है, कंटिन्यूअसली 11 बार पाठ करें। और अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं भी हनुमान जी के ज्यादातर पाठ शाम को 8 बजे के बाद ही करता हूं। और आप भी, कई लोग आप में से जॉब पे जाते हैं, बिजनेस करते हैं, इसीलिए सुबह से शाम तक टाइम नहीं होता, लेकिन रात को हर कोई फ्री होता है। और अगर रात को भी जॉब है तो आप ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं। तो ये पाठ मैं तो रात को करता हूँ, आप या तो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे, या तो फिर शाम को 8 बजे, रात को 8 बजे के बाद कीजिए। और आपकी 11 बार हनुमान चालीसा पूर्ण हो जाए, उसके बाद आपने जो पानी रखा है कलश में वो सारे परिवार में बांट दीजिए। और उसके बाद जो आपने मिष्ठान भोग लगाया है वो भी आप बांट सकते हैं और खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद हनुमान चालीसा जैसे ही पूर्ण हो, फिर से राम नाम की अगर एक माला करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, और अंत में भी आपको राम नाम ही लेना है। और ये कंटिन्यूअसली 11 दिन तक करिए, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके शरीर में बहुत सारे अलग अलग चेंजेस आएंगे, आपकी जो टेंशन है। कई लोग
ऐसे भी होते हैं जो पूरा दिन ओवरथिंकिंग करते रहते हैं, ये सोच में पड़े रहते हैं या अन्य कोई टेंशन और स्ट्रेस के शिकार रहते हैं, वो सारे दूर होते नजर आएंगे और आपका जीवन सार्थक बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आपको हनुमान जी खुद ही एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करते हैं, आपका माइंड भी शार्प होता हुआ आपको नजर आएगा। इसीलिए ये 11 दिन के संकल्प के बाद आपको खुद ब खुद अंदर से फिर से एक प्रेरणा होगी कि मैं फिर से ये संकल्प करूंगा। आप फिर से 11 दिन का कर सकते हैं, वरना 21 दिन का कर सकते हैं। और अंत में आप हनुमान चालीसा के 100 पाठ अवश्य कीजिएगा मंगलवार के दिन शाम को 8 बजे के बाद।